हेलो दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। और आज देखिए 5% से ज्यादा डाउन रहा है हमारा एनवायरमेंट, 5% डाउन होकर बंद हुआ है ये। ओवरऑल स्टॉक ठीक ठाक मूवमेंट में था जब बजट आया, बजट के बाद इसने रैली में पार्टिसिपेट किया एंड वहां से ये थोड़ा सा आज डाउनवर्ड गया है हमारा स्टॉक। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले रीजन की बात करेंगे कि स्टॉक हमारा गिरा क्यों है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया था और हाई लेवल पे इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए 335 रुपए के लेवल पे आपने इन्वेस्ट कर दिया था, बाय कर लिया था आपने बंधन बैंक को, तो क्या आपको लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रेस्ड बैंक तो है ऑलरेडी। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या लॉस बुक करने का डिसीजन जो रहेगा हमारा वो ठीक रहेगा या नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिन लोगों ने हायर लेवल पे इन्वेस्ट किया था पिछले कई महीनों से, वो होल्ड करके रखे हुए हैं, तो क्या उन्हें कोई उम्मीद है आगे जाने की, या क्या ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा ग्रोथ दिखाएगा या नहीं, इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो हमारे बंधन बैंक का जो स्टॉक वो 330 रुपए के आसपास हमारा ट्रेड कर रहा है यार, एंड 5% के आसपास डाउन जरूर है, बट उसके कई कारण है। अब ज्यादा तक मुझे लगता है कि एक्सटर्नल रीजन ज्यादा रहे हैं, इंटरनल कम रहे हैं। इंटरनली अगर हम बात करें तो बजट में बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद बंधन बैंक में एक ग्रीन जोन बनता हुआ जरूर दिखाई दिया था, और मुझे लगता है कि वो आगे आने वाले दिनों में ग्रीन जोन में ही कन्वर्ट रहेगा। ठीक है, टेक्निकल्स भी मैंने आपको दिखाए थे, वहां पर टेक्निकल्स की बात दोबारा करेंगे अपने चार्ट पर चलेंगे, तो टेक्निकल्स की बात मैं दोबारा करूंगा, बट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में ठीक ठाक बैंक ही है। एनपीए ज्यादा है इसका और ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेरेंस रहता है, बट ओवरऑल अगर इन्वेस्टर्स की नजर से हम बात करें तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बंधन बैंक का एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा खासा दिखाई देता है। अब वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है इसमें, 23.6 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, शेयर ट्रेडेड बहुत अच्छा है इसका। और एक रीजन की हम बात करें तो आज देखिए कि हमारे जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस में थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिखाई दिया है आज, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आई है और उसका थोड़ा सा पॉजिटिविटी मार्केट में फैली थी, और जिसकी वजह से निफ्टी बैंक में थोड़ा सा 1% के आसपास का ग्रोथ दिखाई दिया। बट जो हमारे बैंक से, जो मतलब बड़े बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे बैंक की बात कर रहा हूँ, जैसे पीएनबी हो गया, फेडरल बैंक हो गया, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, जो बहुत ट्रेंड में है इस समय पर, उन बैंक्स में भी आज गिरावट का माहौल देखने को मिला है। और आप बंधन बैंक को देख लीजिए, लगभग 5% के आसपास हमारा डाउन दिखाई दिया है ये। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये देखिए कि अगर बैंकिंग सिस्टम में लगभग बैंक्स हमारे डाउन है, तो किन बैंक्स ने इसका जो एक ग्रोथ है वो ड्रिवन है, तो बड़े बैंक्स के द्वारा इसका जो बैंक ग्रोथ दिखाई दिया है वो ड्रिवन है, और वहां पर निफ्टी बैंक में जो 1% की ग्रोथ आई वो छोटे बैंक्स के द्वारा नहीं आई है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उनका सीधा असर सिर्फ बड़े बैंक्स पर दिखाई दिया है, छोटे बैंक्स पर यानी जैसे बंधन बैंक हो गया या पीएनबी हो गया या फेडरल बैंक हो गया, वहां पर उसका असर कम दिखाई दिया है या ना के बराबर दिखाई दिया, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है हमारा। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने 305 308 के लेवल में बंधन बैंक में इन्वेस्ट किया था, और आज अगर आपने ऑर्डर बुक चेक की हो, बाइंग साइड लो थी और सेलिंग साइड बहुत हाई थी, तो इस वजह से भी बंधन बैंक का जो स्टॉक है हमारा वो दबाव में दिखाई दिया। जब भी हमारी सेलिंग साइड हाई होगी और बाइंग साइड लो होगी, यानी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पर स्टॉक प्राइस गिरता ही गिरता है, और वही एक चीज यहाँ पर हुई है। बंधन बैंक में काफी टाइम से लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था, काफी टाइम से होल्ड किया हुआ था, तो जैसे ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ा यहाँ पर, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे और इंडेक्सेस में भी आप उसका असर देख सकते हैं कि एक प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, और वो इक्विलिब्रियम तभी आता है जब फेयर और ग्रीड एक बराबर हो। डर का माहौल ज्यादा है इस समय पर और ग्रीड का माहौल थोड़ा सा कम है इस समय पर। लालच, आप देखिए 4-5 दिनों से हमारा सेंसेक्स और निफ्टी रिकवर कर रहे हैं, 1000 पॉइंट से ज्यादा रिकवरी निफ्टी में हो चुकी है, और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 50,800-900 का लेवल भी आज उसने टच किया था हमारा, तो एक ग्रीड का जो माहौल बना हुआ है बाजार में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, और आज फियर ने मार्केट को ग्रैब कर लिया, और तभी एक जो बेयर्स ग्रैबिंग मार्केट हमारा आज दिखाई दिया है। तो बंधन बैंक में एक रीजन तो हमारा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग बंधन बैंक के स्टॉक में हुई, और दूसरा रीजन हमारा रहा है कि पूरे इंडेक्सेस है, जब इंडेक्सेस में प्रेशर दिखाई देता है तो बंधन बैंक स्पेसिफिक भी स्टॉक्स में बिकवाली का माहौल दिखाई देता ही देता है। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे ऑर्डर बुक, अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऑर्डर बुक में आप चेक किया करें कि किस तरह से बाइंग और कितना सेलिंग का ऑर्डर लगाया गया है। सेलिंग ऑर्डर आज ज्यादा था, काफी ज्यादा था, इस वजह से स्टॉक में गिरावट का माहौल दिखाई दिया है। आगे की बात करें कि आगे क्या करना है, तो आपको डिलीवरी परसेंटेज पर लेकर चल रहा हूँ मैं। डिलीवरी आप देखिए कि यहाँ पे 32% की डिलीवरी आज हुई है। ठीक है, 24 मिलियन शेयर ट्रेडेड है, 8 मिलियन के आसपास की डिलीवरी हुई है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। 4 फरवरी की बात करें तो 40% के आसपास की डिलीवरी हुई थी, 3 फरवरी की बात करें तो अराउंड 33-34% के आसपास की डिलीवरी थी, और 2 फरवरी की बात करें तो 24-25% की डिलीवरी थी। तो डिलीवरी में कमी नहीं आ रही है, डिलीवरी बहुत बेहतरीन हो रही है, अराउंड 32-33% की डिलीवरी हुई है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लोग स्टॉक बाय कर रहे हैं इस समय पर भी।
तो अगर बाइंग हो रही है स्टॉक में और लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए हो रही है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने होल्ड किया हुआ है स्टॉक, होल्ड करके रखें और थोड़े दिन हो सकता है आपका जो एक लॉस है वो भी रिकवर होगा और आने वाले समय में आप इसमें प्रॉफिट भी बनाकर जाएंगे। बाइंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों ने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था, वो होल्ड करके रखे हैं। मेरी किसी भी वीडियो में मैंने इसमें बाय करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी है, क्योंकि बंधन बैंक स्ट्रेस्ड बैंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक FM का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का बैड बैंक कॉन्सेप्ट ग्राउंड पे नहीं काम करता है, तब तक इस बैंक में का जो NPA है वो थोड़ा सा देखने वाला होगा, क्योंकि NPA ज्यादा होता है तो वहां से इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट जो बैंक को इंटरेस्ट पे करना है वो तो पे करना ही है, वो पे करना होता है समय से, तो वहां पर बैंक का बहुत ज्यादा पैसा, कैश फ्लो का जो बहुत सारा पैसा है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो वहां पर एक चीज सामने आती है कि बैंक के पास कैश फ्लो नहीं बनता है, तो वहां पर ऑपरेशनल रेवेन्यू कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो देखनी पड़ती है, बट ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज ठीक है, बाइंग नहीं करनी है, होल्ड करके रखना है स्टॉक को। मैं आपको अब चार्ट पर लेकर चलता हूँ कि चार्ट किस तरह से दिखाई देता है। तो आज देखिए हमारा एक जो आप देखिए कि जो हमारा एक सपोर्ट जोन था यहाँ पर 344 345 रुपए का, वो ब्रेक हुआ है आज, एंड अब ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। 329 रुपए का हमारा एक शेयर प्राइस अभी है, CMP है, करंट मार्केट प्राइस जो हमारा 329 रुपए 330 रुपए का है, और वहां से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ट्रेडिंग सेशन हमारे पॉजिटिव रहते हैं तो ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल है 325 रुपए का हमारा, ये बहुत करीबी सपोर्ट लेवल है। मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एक मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में और बाजार में, वहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा जिस तरह की रैली इसने दिखाई है अब ये वापस से ऊपर निकल जाना चाहिए। पर आप देखिए कि एक चीज बहुत अच्छी है इसमें कि यहां से जब ये ऊपर गया हमारा तो एक जो प्रॉफिट बुकिंग था वो इस कैंडल के साथ आई है, तो आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। आप ऐसा स्ट्रेट लाइन की जर्नी, स्ट्रेट लाइन की ग्रोथ इस बैंक में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जबकि बैंक की तरफ से कोई बहुत बड़ी खबर या बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बजट का एक बबल था जिसकी वजह से स्टॉक बहुत ऊपर गया, बहुत अच्छी खासी रैली दिखाई, जैसे 305 रुपए, 340 रुपए तक, 345 रुपए तक अच्छी खासी रैली दिखाई है इसने। अब वहां से थोड़ा सा 5% के आसपास गिरा है तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे लगता है आगे आने वाले वीक की बात करें अगर हम, तो वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। अभी हम 3-4-5 दिन की जो ट्रेडिंग सेशन है उनकी फुल रिपोर्ट आने दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो करूंगा कि नेक्स्ट वीक का क्या हमारा रहने वाला है, किस तरह से मूव करेगा। बट स्टिल अगर आज की बात करें तो 2-3 रीजन है और ज्यादातर रीजंस एक्सटर्नल ही हैं, इंटरनली मैं नहीं बोलूंगा। आप देखिए टेक्निकल्स भी हमारे ठीक ठाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय पर। ये स्टॉक हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में दोबारा से कन्वर्ट हो गया है और अगर यहाँ से बेयरिश जोन में जाता है तो थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनेगा, ठीक है। चार्ट को एक दिन और देते हैं हम ताकि ये थोड़ा सा और फॉर्म हो जाए, उसके बाद हम अगले वीक की भी बात करेंगे। बट इस समय पर बात करें तो स्ट्रेट लाइन में आ गई हमारी मैग्डी की लाइन, हिस्टोग्राम हालांकि ऊपर बन रहे हैं, तो इस समय की बात करें तो बुलिश जोन में अभी भी हमारा स्टॉक है। और अगर हम RSI की बात करें तो RSI हमारा 40.84 हो गया है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बीच में है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो चार्ट ओवरऑल ना ही बहुत वीक है ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ओवरऑल ठीक ठाक चार्ट है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा बैंक ठीक ठाक होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो लंबी जर्नी यहाँ पर आई है उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन जोन आता ही है, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, तो इसे घबराने वाली बात नहीं है। बाइंग नहीं करनी है, बट जिन लोगों ने बाय कर रखा है वो होल्ड करके रखेंगे तो बंधन में ठीक ठाक प्रॉफिट आप इसमें बना पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।